Hello everyone. Today in this video I'm going to tell you how you can draw easy realistic portrait. तो आप अगर drawing बनाते हो तो आपको कई बार ऐसे मन में आता होगा कि मैं भी कैसे अपने drawing को sell कर सकता हूँ. तो देखो, सबसे पहले सेल करना तो बात की बात है, पहले आपको रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना पाते हो कि नहीं, तभी ना आपको लोग जो है ऑर्डर देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे, राइट. तो देखो, उसमें क्या होता है ना, कभी भी पोर्ट्रेट आता है तो बिल्कुल उनको क्या चाहिए, जैसा इमेज दिख रहा है बिल्कुल वैसा कर दिए तो उनको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन है. आप उसमें कोई भी आर्टिस्टिक अपना तरीका मत अप्लाई करो, बस एक एक चीज़ों को कॉपी करना है एकदम एज इट इज़, जैसा दिया है वैसा. इसमें आप सोचोगे कि मैं बिल्कुल एक घंटे में दो घंटे में फिनिश कर दूं पोर्ट्रेट को और उनसे मनी ले लूं, तो ये नहीं होगा. आपको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा पोर्ट्रेट को बनाने के लिए. लगभग मतलब मैं अपना पोर्ट्रेट बनाता हूं तो लगभग मुझे चार पाँच घंटे तो आराम से मैं देता हूँ, ताकि बिल्कुल भी एक एक चीज़ भी उसमें मिस ना कर जाऊँ, है ना. एकदम छोटे छोटे डिटेल्स को भी ऐड करना होता है अच्छे से पोर्ट्रेट बनाने के लिए. लेकिन कई बार क्या होता है ना कि लोग आपको पोर्ट्रेट देते हैं और लेकिन देने के बाद वो बहुत सारे डिमांड भी करते हैं कि ये गलत है वो गलत है. तो मैं पर्सनली बताऊँ यार, मैं उतना देखता ही नहीं. मैं बोलता हूँ लेना हो तो ले लो, फिर नहीं लेना हो तो मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ. क्योंकि देखो ना, छोटे बच्चे को अगर आप दिखाओगे ये सब पोर्ट्रेट, अब बहुत ही आपका फेवरेट पोर्ट्रेट है और जाके किसी बच्चे को दिखाते हो, वो बच्चा क्या बोलेगा? वो बोलेगा यार ये क्या बनाए, मतलब ब्लैक एंड वाइट काला दिख रहा है, भूत जैसा है. तो वो स्केच को पहचान ही नहीं पाता है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसे लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा, इनसे कोई एक्सपेक्टेशन भी वैसी नहीं रखनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मैंने जैसा कि ग्रिड बनाया पूरे कॉपी में, ग्रिड बनाने के बाद आप देख सकते हो मैंने इमेज को भी, इमेज में भी ग्रिड बना ली. ग्रिड मेथड होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है. सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से एक ऐप डाउनलोड करना है, ग्रिड. आप सर्च कर सकते हो ड्राइंग ग्रिड मेकर, ठीक है. उस ऐप को डाउनलोड करो और कुछ इस प्रकार से स्क्वायर बनाओ मोबाइल में, जो भी आपको फ़ोटो को पोर्ट्रेट करना है उसका इस तरह से बना. उसके बाद अपने पेज पे भी बनाओ. मैं A3 साइज़ पेपर पे बना रहा हूँ और मैं इस इमेज को ट्रेस कर रहा हूँ. किन्हीं किन्हीं को मैंने देखा है तो वो ट्रेस भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कॉपी भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं. तो आपको एकदम अच्छे से धीरे धीरे समय दे के कॉपी करना है. दूसरा, इसमें टाइम लगता है ना. आप तुरंत सोचोगे ऐसा हो जाएगा अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं है. आपको तो अगर गलतियाँ होती है तो होने दो और बहुत सारी प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा. फिर दूसरा, लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, है ना. एक्चुअली जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा हमें लगता है ना. तो उसको भी कंट्रोल करना है. और ख़ुद में भी डिमोटिवेशन आता है कि जैसे यार ड्रॉ होगा कि नहीं होगा. बहुत सोचते हैं कि मैं रियलिस्टिक पोर्ट्रेट कभी ज़िंदगी में ड्रॉ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, इतना तक सोच लेते हैं. तो मैं बता दूँ, बिल्कुल ऑब्वियसली आप कोई भी लेवल पे हो एकदम ड्रॉ कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट. आपको इंटरेस्ट है, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप भी अच्छे से बिल्कुल रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. तो पूरा अगर फ़ोटो ट्रेस हो जाए, जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, एक एक चीज़ अगर ट्रेस हो जाए और एक एक चीज़ों को डिटेल से अच्छे से काम करो. दूसरा क्या है ना कि अभी मान लो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आपकी नहीं है, जैसे मैंने अपना अच्छा खासा टाइम, मैंने कई सारे ऐसे पोर्ट्रेट सेल किए हैं, है ना. ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नया हूँ और मुझे फ़िलहाल ही कमीशन आ रहे हैं, नहीं, बहुत पहले से कमीशन आ रहा था. तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया. दूसरा कि मटेरियल भी थोड़ा बहुत आपको लगता होगा कि मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है, तो मैं बताऊं, मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता यार. मैं तो शॉप में जाता हूँ और ये 8 लाइन का पेंसिल आता है 70 रुपीज़ का, इनफ, टोटली इनफ है. फिर एक आता है ना इरेजर, टोम्बो मोनो जीरो इरेजर, ठीक है, तो छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करने के लिए, तो उसका भी अल्टरनेटिव है, मैंने यूज़ किया, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं, वो 70 रुपीज़ का है. तो आप एक डॉम्स का आता है ये पेन वाला इरेजर, है ना, वो जाके 30 या फिर 25 रुपीज़ में आता है, बहुत होता है उसमें इरेजर, है ना. तो इनफ है, उसको क्या करो, शार्प कर लो और बहुत ही नुकीला बना लो. फिर जहाँ पे एकदम बिल्कुल हाईलाइट चाहिए, पॉइंट चाहिए, जैसे आई के पास एकदम बिल्कुल वाइट जैसा चाहिए होता है, तो आप उसका यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है.
और बहुत ही इजीली वो एक्सेस हो पाता है, नियर शॉप में आपको मिल जाएगा वो, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। देखो सारे आउटलाइंस ऐसे कुछ करना है, मतलब एक मतलब बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पे मत जाओ। अभी क्या आता है, जब भी हम आउटलाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक को देखने लगता है, अरे यार ये मैच नहीं कर रहा, वो मैच नहीं कर रहा। नहीं, आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो और आउटलाइन को मैच करते जाओ, मतलब एक एक लाइन को मैच करते जाओ। आउटलाइन में क्या होता है, केवल लाइन देना होता है, शैडो वगैरह उतना देना नहीं होता है, फिर भी थोड़ी बहुत दे सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो इतना तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बनाते वक्त आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है कि बन जाएगा, नहीं तो आप ऐसा मान के चलोगे कि नहीं बनेगा तो फिर वो ऐसे उससे कुछ होगा नहीं, है ना। तो आउटलाइन करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी जहाँ पे भी डार्क शैडो है और जहाँ पे भी कम शैडो है, तो जहाँ पे डार्क शैडो है वहाँ पे एक बार पेंसिल से आप ऐसे सेट कर सकते हो, हैच कर सकते हो, ताकि जब आप बाद में वहाँ पे और ज़्यादा डार्क करोगे तो आपके पास ऑलरेडी एक आइडिया होगा कि कहाँ पे डार्क एरिया था और कहाँ पे लाइट एरिया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो कुछ इस प्रकार से मैंने आउटलाइन कर लिया है पूरा, कपड़े के नीचे का भाग तो उतना ज़्यादा नहीं किया है, उसको मैं बाद में कर लूँगा। हेयर को मैं 2B पेंसिल से सेट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप डायरेक्ट 6B या 8B करने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं यही गलती करता था। तो आप 2B पेंसिल का यूज़ करके पहले जो है अच्छे से जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाओ, है ना। मैंने उतना परफेक्ट स्ट्रोक नहीं लगाया है, लेकिन एक बार देखो एक्सपीरियंस आ जाने के बाद आप अपने तरीके से कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। नहीं तो ये तो सबसे बेस्ट है कि जिधर जिधर हेयर जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने पेंसिल के स्ट्रोक लगाओ 2B से। ये अच्छे से हो जाने के बाद फिर आप अगले स्टेप पे जा सकते हो। सबसे सिंपल सा चीज़ है, आप फोटो को देखोगे और आपको थोड़ा सा बंद करोगे ना तो थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखेगा और सारे शैडो अच्छे से दिखेंगे। तो उन सब एरिया में बिल्कुल एकदम सिंपल विजुअलाइज करना है और सारे एरिया में पेंसिल का यूज़ करके शैडो ऐड करना है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो नॉर्मल पेंसिल, एक ही पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ 4B का, ठीक है। तो अब थोड़ा क्योंकि डार्क और चाहिए, जैसे आँखों का आई राइज होता है और ये जो प्यूपिल होता है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा और डार्क करने के लिए मैं पेंसिल तो वही यूज़ कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये भी कर सकते हैं, जैसे आईब्रो में हो गया, है ना। इतना करने के बाद फिर थोड़ा सा और अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि अब बेसिक आइडिया मिल गया है कि कहाँ पे सेट करना है, कहाँ पे डार्क करना है और कहाँ पे ज़्यादा लाइट होगा, उसका एक बेसिक आइडिया मिल गया है। तो आप उसी एरिया में और अच्छे से स्मूथ करना है पेंसिल से। तो आपके पास अगर ब्लेंडिंग इंस्टा पे है तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूँगा मैक्सिमम चीज़ें अपने पेंसिल से ही कर लो पहले ही, और बाद में जाके उसको ब्लेंडिंग एकदम बिल्कुल लास्ट में कर सकते हो, ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। नहीं तो हम ब्लेंडिंग पे डिपेंड होता है, हर समय यूज़ करते रहते हैं स्मूथ करने के लिए, तो ऐसा नहीं, पहले ही पेंसिल से इतना ज़्यादा स्मूथ कर लो कि बाद में फिर और अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे मैं बेसिकली ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास मेकअप ब्रश है जो आपको नियर शॉप में मिल जाएगा कहीं भी, और या फिर ऑर्डर भी करा सकते हो। तो उससे क्या होता है, ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छा होता है। अभी जो एक चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत मुझे सही लगता है कि पूरे में 2B पेंसिल का यूज़ करके मैं सेट कर दूँगा कम्प्लीटली फेस में। इससे क्या होगा ना, मैं पहले बनाता था और ऐसे कभी नहीं करता था, लेकिन इससे क्या होगा, अगर आप कम्प्लीटली 2B पेंसिल का फेस पे यूज़ करोगे तो वो एरिया जहाँ पे मेरे को हाईलाइट देना होगा वो काफ़ी उभर के आएगा। नहीं तो ऑलरेडी अगर मान लो पेंसिल चलाया ही नहीं तो उस पर ऑलरेडी हाईलाइट कोई रहेगा नहीं, तो हाईलाइट के लिए जगह ही नहीं बचा, है ना। तो अच्छे से बिल्कुल जितना स्मूथ हो सके उसको करना है। मैं अभी ब्रश का यूज़ करके कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा स्मूथ हो पाए हो जाए। फिर क्या होता है, थोड़ा ब्लर टाइप का हो जाता है, तो आपको फिर से पेंसिल उठाना है और फिर से उन सब एरिया को, उन सब लाइंस को क्लियरली आउटलाइन करना है फिर से। Talk about.
अब आप अपने इमेज को, जो आपके पास रेफरेंस इमेज है, उनको हर एक चीज़ों को डिटेल से देखते जाओ। एक बार में ऐसा हो गया ऐसा फिर इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं। एक एक चीज़ों को डिटेल से देखते जाओ और एक एक चीज़ों को ऐड करते जाओ। जो आपको कमी लग रही है वो करते जाओ, तो इससे धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता जाएगा। आप सोचोगे मैंने 13 मिनट में कितना कुछ बोल दिया, तो क्या हो जाएगा उससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो आपके प्रैक्टिस पे है। अभी हाईलाइट के लिए मैं जो डॉम्स का इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, देखो मैंने ये मेरी डॉम्स का बात कर रहा था मैं, तो देखो कितना अच्छे से हाईलाइट उभर के आ रहा है। तो ये पूरे फेस पे 2B पेंसिल मैंने जो यूज़ किया इस कारण से हो रहा है, तो ये काफ़ी उसका बेनिफिट होता है। तो हाईलाइट के लिए इरेजर का यूज़ करना बेस्ट है। तो जहाँ जहाँ पे आपको हाईलाइट लग रहा है वहाँ वहाँ पे इरेजर कर यूज़ करके हाईलाइट कर दो, और उसके बाद फिर से एक बार स्मच कर देंगे ताकि थोड़ा स्मूथ टाइप का लगे, है ना। अब मैं थोड़ा डार्क पेंसिल 8B को लेकर के और भी डार्क एरिया जहाँ जहाँ पे हैं, जैसे हेयर में काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो वहाँ पे मैं इसका पेंसिल का यूज़ करके और डार्क कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट कुछ बेसिक चीज़ें हो गई है। अभी भी मैं रियलिस्टिक नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने इसके बाद काफ़ी सारा टाइम दिया है, उसका मैंने वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन मेन काम जो था इतना ही था। उसके बाद आपको जितना स्मूथ लगे, जितना आपको रेफरेंस अकॉर्डिंग रेफरेंस इमेज जितना स्मूथ करने का मन करे, जितना ज़्यादा और रियलिस्टिक बनाने का मन करे, तो आप उतना टाइम दो। और मेरे ख्याल से ना बहुत टाइम मत दो, ठीक है, मतलब 4 घंटे दिए 5 घंटे दिए उतना दे लो, अकॉर्डिंग टू कितना डिटेल्स है फोटो में उसके अकॉर्डिंग उतना समय दो। और बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमेज उल्टा पोर्ट्रेट और ख़राब भी होने लगता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। और जितनी डिटेल्स की ज़रूरत है उतना ही डालो, वो अच्छा दिखता है, बहुत ज़्यादा स्वयं अच्छा। और कस्टमर के बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, अपने से व्यू से देखो और उसे अपने से और अच्छा करो। तो थैंक यू, होपफुली ये वीडियो कुछ काम कर रहा होगा आपके लिए। And see you in the next video. ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए हेल्पफुल हो सके वैसी वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। See you in the next video. Till then, bye. Thank you.